मैं पूनम कुमारी सिंह, प्रिंसिपल जयपुरिया स्कूल पटना, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अभी कोरोना काल में आपके जयपुरिया स्कूल में गाइडलाइन के साथ कैसी शुरुआत हुई? जयपुरिया स्कूल में हम SOP को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और सरकार के दिए गए सारे निर्देशों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ। और यदि आप आए होंगे तो आपको गेट पर भी पूरी व्यवस्था मिली होगी। अभी तो एक सरकार का गाइडलाइन भी शुरू हो रहा है कि होली की कुछ भीड़ भाड़ ना हो, तो आप लोग यहाँ कितने बच्चे लोग का क्लास चल रहा है? नहीं, हमारे बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं फिलहाल, तो बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। और हमने बच्चों से कहा है कि वो अपने घर पर रहकर सुरक्षित और स्वस्थ होली खेलें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे प्रथम होता है और होली की मूल महत्ता ही उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण पर है। तो हमने बच्चों को यह स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि वो घर पर ही रहें और अपने घर पर रहकर ही घर के ही मिठाइयों का सेवन भी करें। ये हमने एकदम स्पष्ट निर्देश दिया है और यह मैं अपने आसपास के लोगों से भी अपील करूंगी कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और होली तो अपनी महत्ता के साथ आती है, जिसमें हम बुराइयों को हटाते हैं और अच्छाइयों को अपनाते हैं। यह हिंदू नव वर्ष है, तो इसकी सबकी हार्दिक शुभकामनाएं कि होली में वह बिल्कुल स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और प्रसन्न रहकर नए वर्ष का स्वागत करें। कोरोना के बारे में अगर मैं ये कहूँ, वापस आ गया है, तो कोरोना जैसी अनेक समस्याएं पहले कुछ और नाम से थीं, कभी प्लेग, कभी एड्स, कभी कोई आपदा, कभी कोई समस्या, समस्याएं आती रही हैं, आती रहेंगी। हमें ज़्यादा सजग और तत्पर रहना चाहिए, यही प्रमुख बात है। कोरोना फिर से आया है, कुछ और स्ट्रेन आ जाएगा तो हम डरकर पीछे हट जाएं, इसकी जगह हम सावधानी और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ें, यही मैं कहना चाहूंगी। कुछ लोग मास्क को नजर इसके लिए जागरूकता की कमी है और जागरूकता फैलाना हम सबका दायित्व है। शिक्षक होने के नाते स्वाभाविक तौर पर हम अपने बच्चों से, अपने अभिभावकों से आरंभ करते हैं और जो जहाँ होता है वो वहाँ पर पर्यावरण का निर्माण करता है। तो हमारे बच्चे मूलतः अपने आसपास इन बातों का ध्यान रखेंगे। जयपुरिया से जुड़े सभी अभिभावक इन बातों का ध्यान रखते हैं, बल्कि हमें बहुत अच्छा और उचित सलाह देते हैं। और मैं यही कहूँगी कि सबका सहयोग